Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum students. Hopeful you are all fine. Students, aaj hum 9th maths ka lecture number 12 karenge aur isme unit number 10 hai jisko humne discuss karna hai aur unit number 10 hai congruent triangles par. Students, congruent triangles ko samajhne se pehle hum ek term samjhenge. टर्म है हमारे पास कॉरेस्पोंडेंस कि ये कॉरेस्पोंडेंस क्या होता है तो सिंबल यूज्ड फॉर वन टू वन कॉरेस्पोंडेंस इज दिस ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है दोनों तरफ जो एरोज और एक लाइन के दोनों तरफ एरोज हैं ये इस सिंबल को हम कॉरेस्पोंडेंस का सिंबल कहते हैं स्टूडेंट्स इस कॉरेस्पोंडेंस को समझने के लिए आप ये दो ट्राइंगल्स देखें हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स हैं एक ट्राइंगल ए बी सी है और दूसरी ट्राइंगल है डी ई एफ इस ट्राइंगल में टोटल सिक्स कॉरेस्पोंडेंसेस हैं हमारे पास अगर आप गौर से देखें तो देखें इसमें हमारे पास एक एंगल है ए ये कॉरेस्पोंड कर रहा है एंगल डी को ऐसे ही एंगल बी कॉरेस्पोंड कर रहा है एंगल ई को और एंगल सी कॉरेस्पोंड कर रहा है एंगल एफ को तो ये तीन कॉरेस्पोंडेंसेस हो गई वन टू वन एंगल्स के हवाले से आप देख रहे हैं ये उसने लिखा भी हुआ है कि ए बी सी डी डी ई एफ कॉरेस्पोंडेंट हैं एक दूसरे के और उनमें ये हर एंगल दूसरे को कॉरेस्पोंड कर रहा है इसी तरीके से स्टूडेंट्स तीन और कॉरेस्पोंडेंट्स हैं आपको पता है एक ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं और तीन ही एंगल्स होते हैं अब आप देखें ऐसी एक साइड देखें ए बी है जो कॉरेस्पोंड कर रही है डी ई को ऐसी बी सी कॉरेस्पोंड कर रही है ई एफ को और ए सी कॉरेस्पोंड कर रही है डी एफ को आप स्टूडेंट्स यहाँ देख भी सकते हैं कि ये ए बी कॉरेस्पोंड कर रही है डी ई को बी सी ई एफ को और सी ए एफ डी को तो यहाँ पर इस कॉरेस्पोंडेंस को समझने के बाद आप कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स की डेफिनेशन को क्लियर करेंगे ये पेज नंबर आपको नज़र आ रहा है 186 तो इस पे आप देखें कहता है कि टू ट्राइंगल्स आर सेट टू बी कॉन्ग्रेंट दो ट्राइंगल्स को हम तब कॉन्ग्रेंट कह सकते हैं रिटन सिम्बॉलिकली एज दिस इनको सिम्बॉलिकली हम यूँ लिखते हैं इफ़ देयर एग्जिस्ट अ कॉरस्पोंडेंस बिटवीन देम अगर उनके दरमियान एक कॉरस्पोंडेंस एग्जिस्ट करे और इस तरह से एग्जिस्ट करे कि जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और जो एंगल्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग वो आपस में कॉन्ग्रेंट होने चाहिए यानी वो इक्वल होने चाहिए जैसे आप देख रहे हैं इफ़ ए बी कॉन्ग्रेंट टू डी ई बी सी कॉन्ग्रेंट टू ई एफ और सी ए कॉन्ग्रेंट टू एफ डी एंड इसी तरह एंगल ए डी के कॉन्ग्रेंट है एंगल बी एंगल ई के कॉन्ग्रेंट है और एंगल सी एंगल एफ के कॉन्ग्रेंट है तो हम कहेंगे कि वो दोनों जो ट्राइंगल्स हैं ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ वो भी आपस में क्या हैं कॉन्ग्रुएंट तो ये स्टूडेंट्स यहाँ से यहाँ तक आपने इसकी जो ना वो डेफिनेशन इसको कर लेना है इसको याद करेंगे आप उसके बाद आप नीचे आ जाए हमारे पास एक पास्टूलेट है एस ए एस पास्टूलेट एस ए एस में आप देखें यहाँ पर एस मीन साइट ए एंगल को शो कर रहा है और एस साइड यानी टू साइड्स हैं और एक एंगल है आप ये दो ट्राइंगल्स को देख रहे हैं इसमें देखें ये वाली साइड ए बी डी ई के इक्वल है ए सी डी एफ के इक्वल है और एंगल ए एंगल डी के इक्वल है तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि इन दोनों ट्राइंगल्स की आपस में दो साइड्स और एक एंगल इक्वल है तो अगर किसी दो ट्राइंगल्स की दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हों तो हम उसे एस सी एस पास्टूलेट का नाम देते हैं यानी टू साइड्स आ गई इसमें और एक एंगल आ गया तो इसको एस सी एस पास्टूलेट्स का नाम देंगे तो यहाँ से आपने इसकी डेफिनेशन रेडी करनी है इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्राइंगल्स इफ टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल अगर दो साइड्स और उनका इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड देर इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर देन द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तब हम कहेंगे कि वो ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दूसरी डेफिनेशन एस सी एस पास्टूलेट की इसमें से ये भी आप कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर देखें ये मैंने दो जो पॉइंट्स बनाए उसमें भी यही है पहला पॉइंट कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स या कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स जो हमने अभी डेफिनेशन की ये आप करेंगे एस ओ एस एस सी एस पास्टूलेट की डेफिनेशन आप करेंगे उसके बाद ये चीज़ आप देख लें
आपने पिछले चैप्टर में 9th में भी पढ़ा था इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होती है। यू नो डैट इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होती है जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो ये याद रखिए आप, अगर कोई ट्रायंगल इक्विलेटरल होती है तो वो इक्वी एंगुलर भी होती है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वी एंगुलर, मीन्स उसके तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये याद रखिए आप, अगर किसी एंगल के ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हों तो उसके तीनों एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो स्टूडेंट्स, उसके बाद हम ये डेफिनेशंस आप इसको क्लियर करेंगे, इनको अच्छे तरीके से आप याद करेंगे तीनों डेफिनेशंस को, और उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 10 है हमारे पास, उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका आप क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं और कौन सी फॉल्स हैं। इसमें देखिए पहली चीज़ लिखी हुई है, अ रे हैज़ टू एंड पॉइंट्स। एक रे जो होती है उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम रे को समझेंगे कि रे होती क्या है। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने ये ड्रॉ की हुई है इसकी फिगर। रे में एक आप देख रहे हैं, एक तरफ एरो है और एक तरफ एक लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। जबकि लाइन को आप देखें, इसके दोनों तरफ एरोज़ हैं, मीन्स ये दोनों तरफ जो ना वो बढ़ेगी। और लाइन सेगमेंट आप देख रहे हैं, इसके दो पॉइंट्स हैं, मीन्स ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं। तो यूं हमने देखा कि जो रे है उसका ये वाला इनिशियल पॉइंट है, जबकि एंड एंड पॉइंट्स ना वो कोई नहीं है, ये इस तरफ को आगे चलती जाएगी। इट मीन्स रे के एंड पॉइंट्स दो नहीं होते बल्कि सिर्फ एक ही होता है। तो इस लिहाज से आप देखें, रे हैज़ टू एंड पॉइंट्स, दिस इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट है, इन अ ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। कहता किसी ट्राइंगल में सिर्फ एक राइट एंगल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स आप देखें, ये ट्राइंगल आपके सामने बनी हुई है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक एंगल 90 का है। तो इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर, ये 90 का एंगल नहीं पॉसिबल। तो ये दोनों एंगल्स 90 से कम हैं। सो हम कह सकते हैं कि एक जो ट्राइंगल होती है उसमें सिर्फ एक ही 90 का एंगल हो सकता है। तो इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो थर्ड आप देखें, थ्री पॉइंट्स आर सेट टू बी कोलिनियर। तीन पॉइंट्स को हम कोलिनियर कह सकते हैं इफ़ दे लाई ऑन द सेम लाइन। आप पिछले चैप्टर में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही लाइन पर होते हैं। इट मीन्स ये ट्रू स्टेटमेंट है कि तीनों पॉइंट्स अगर एक ही लाइन पर हों तो इट मीन्स वो कोलिनियर होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, फोर्थ स्टेटमेंट आप देखें, टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। दो पैरेलल लाइंस कह रहा है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो हम देखेंगे कि क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो फोर्थ पार्ट देखिए आप, मैंने दो लाइंस ड्रा की हैं, ये L1 है और ये लाइन L2 है। अब देखिए ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। आप देखें, यू नो डैट पैरेलल लाइंस आगे चलती जाएंगी, लेकिन एक दूसरे को कभी भी आपस में मीटअप नहीं करेंगी, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो इट मीन्स ये स्टेटमेंट उसकी फॉल्स है कि दो पैरेलल लाइन्स जो है ना वो इंटरसेक्ट वन पॉइंट पर, किसी पॉइंट पर नहीं करती। तो पाँचवा देखें, टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। कहता टू लाइन्स एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। स्टूडेंट्स, ये फिफ्थ के लिए मैंने डायग्राम बनाई है आपके सामने। ये मेरे पास लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। देखिए ये इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर चुकी हैं, और उसके बाद आप देखें ये आपस में एक दूसरे को कभी भी नहीं मिलेंगी। ये इस तरफ को बढ़ जाएगी, ये इस तरफ को बढ़ जाएगी, तो यूँ आपस में ये कभी नहीं मिल सकती। लिहाजा हम कहेंगे कि ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। इट मीन्स दिस इज ट्रू स्टेटमेंट कि टू लाइन्स कैन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। उसके बाद सिक्स आप देखें इसका, अ ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैज नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। कहता है कि एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी साइड्स कॉन्ग्रुएंट हों तो उसके एंगल्स नॉन कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने ये कॉन्सेप्ट लिया है कि एक ऐसी ट्राइंगल जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं आपस में, तो उसके जो एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो इट मींस कि जो किसी ट्राइंगल के अगर साइड्स सेम हों तो उसके एंगल्स भी जो ना वो आपस सबके सब क्या होते हैं, सेम होते हैं, यानी इक्वी लेटरल ट्राइंगल इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी होती है। जबकि इस स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि कॉन्ग्रुएंट साइड्स वाली ट्राइंगल के
एंगल्स नॉन कॉन्ग्रूएंट होते हैं, जो कि गलत है। तो यूँ ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हुई। तो स्टूडेंट्स, होपफुल आपको इन इस सब जो ना वो चीज़ों की समझ आ गई होगी। हमने ये तीन डेफिनेशंस की हैं कॉन्ग्रूएंट ट्राइंगल्स की, कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स की, एसएस पास्टुलेट और इक्विलेटरल ट्राइंगल को हमने देखा कि क्या होती है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट लिया। उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज 10 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 आज सॉल्व किया, इसको समझाए हमने। तो होपफुल स्टूडेंट्स आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि टेस्ट जो ना वो आपका अच्छे से हो सके। तो इसके साथ स्टूडेंट्स आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो चीज़ें इसकी रह गई हैं वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह करीम आपका हामी नासिर हो। आमीन।